सो वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। आज हम आ गए आपके सामने लेकर कैमरा ट्यूटोरियल का पार्ट वन एक्सटर्नल ओवरव्यू। इसमें हम देखेंगे कि जितने भी बटन्स हैं किस तरीके से वर्क के क्या क्या उनका काम होता है और एक्सटर्नली हमारा कैमरा कैसे दिखता है, किट लेंस जो 15x45mm का है और किस तरीके से इंसर्ट होता है, कैसे आउट होता है, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं तो एक ओवरव्यू ऊपर का ले तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कैनन EOS M50 की एक लेबलिंग टाइप करी हुई है। ये हमारा हॉर्सशू माउंट जहाँ पर हम अपना फ्लैशलाइट और ये हटा के यहाँ पर अपना फ्लैशलाइट और माइक एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये है मल्टी फंक्शन का बटन, ये जो से देख सकते हैं। ये आपका हो गया शटर बटन और ये यहाँ से हम अपना ISO एक्सपोजर जो होता है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा रिकॉर्डिंग बटन है जिसको हम डायरेक्ट यहाँ से प्रेस करके अपना रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब सारी स्क्रीन के अंदर आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पर आता है ये कुछ डायल्स बटन है जैसे कि एम स्टैंड करता है मैनुअल मोड के लिए। ये जो रिकॉर्डिंग आपका दिख रहा है, ये जो आइकन दिख रहा है ये है रिकॉर्डिंग के लिए। ये है फिल्टर्स के लिए, अलग अलग फिल्टर होते हैं। ये अपना है स्पेशल सीन के लिए। उसके बाद ये आता है हमारा हाइब्रिड ऑटो के लिए। उसके बाद ये है फुल्ली ऑटो मोड। ये पीस है हमारा प्रोग्राम मोड हो गया। उसके बाद टीवी जो है ये होता है शटर वैल्यू के लिए। ये हो गया हमारा अपर्चर वैल्यू के लिए। और उसके बाद ये तो हमारा हो गया मैनुअल मोड के लिए। उसके बाद यहीं पर कॉन्सिक्यूटिवली यहाँ पे ऑन और ऑफ बटन देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक माइक का स्लॉट दिख जाएगा। तो जैसे इसको अगर मैं निकाल के देखूँ तो यहाँ पर आप 3.5mm लाइटनिंग पोर्ट की आप यहाँ पर माइक यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे दिखाया था आपको लास्ट टाइम, लेकिन वो हमारा लेके आता हूँ। सो दिस वन, सो दिस इज़ आर माइक। तो इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि जो ये जो इसकी केबल है वो मेरे पास थी, लेकिन वो कैमरे से जो अटैच होती है वो वाली मैं आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दी, मुझे याद नहीं आ रहा है। फ़ोन से कनेक्ट होने का चार्ज केबल था मेरे पास, कैमरा वाला नहीं था। तो लेफ्ट में आपने देख लिया कि जैसे कि आपको ये माइक का एक पोर्ट मिल जाएगा। और जब आप इसके मेन स्क्रीन की तरफ कहने का मतलब अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ये बटन्स दिखेंगे जो टैप हो सकते हैं। ये हमारा प्ले बटन है, जैसे कि जब हम कभी कोई भी वीडियो एंड फोटो लेते हैं तो वापस स्क्रीन पर देखने के लिए हम प्ले बटन का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारा मेन्यू बटन है, यहाँ पर सारे मोड्स जिस तरीके से वर्क करेंगे वो हम दिखाएंगे जब स्क्रीन ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पर ये जो बटन्स है ये यहाँ पर ये है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस के लिए। हम यहाँ से भी टैप करके और अपना आगे किट लेंस जो है वहाँ से भी किट लेंस में भी जो दे रखा है हमें एक रिंग टाइप की, वहाँ से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा एक तरीके से हम एक्सपोजर्स कह सकते हैं कि एक्सपोजर कंट्रोल करना, ज़्यादा बढ़ाना, डार्क करना, लाइट करना। उसके बाद ये जो राइट में है ये है फ्लैश लाइट के लिए। वैसे तो इसकी जो फ्लैश लाइट है वो आपको दिखा दी मैनुअल ही ऊपर होती है, लेकिन हम फिर भी ऊपर करके भी इसको ऑफ़ कर सकते हैं अगर बाई चांस कि हमसे मान लीजिए कि गलती से ऊपर हो गया और फिर वो ऑन हो गया, तो हम यहाँ से इसको बटन प्रेस करके ऑफ़ कर सकते हैं। उसके नीचे इरेज का ऑप्शन है और बीच में सेट का क्यू बटन। उसके बाद ये एक इन्फो बटन है, यहाँ पर सारी चीज़ें कोई भी इमेज जो है वो कौन से FPS में कितनी FPS में ली गई है उस तरीके की सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रेस करके पता लग जाएगी। उसके बाद ये दोनों बटन हम अंदर जाके और देखते हैं किस तरीके से होती है। जब आप फ्रंट की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे कैनन का एक लेंस को कवर करने के लिए कैप मिल जाती है, तो इसको हम से साइड करते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है
कैनोन जूम लेंस EFM 15-45 mm लेंस। और अगर आपको इसको लाइक बाहर निकालना हो, अगर आपको देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक बटन होगा ये वाला, अगर आप ये बटन देख पा रहे हैं तो ये लेंस को निकालने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, हमें किट लेंस निकालना हुआ इंसर्ट करना होता है तो हमें ये बटन जो दिख रहा है आपको ये ब्लैक रंग का, ये इसको प्रेस करके ही बाहर निकालना होगा। ये हमारा कैमरे का सेंसर है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लेंस लगा के ही रखिएगा हमेशा, कोई ना कोई एक लेंस। ठीक है, और जब लगाना हो तो जैसे अभी देख सकते हो वाइट पॉइंट आकर आपको एक वाइट पॉइंट दिख रहा होगा, और यही वाइट पॉइंट जो लेंस पे है इस दोनों को मैच करना है। यहाँ पर जैसे ये देख रहे हो ये वाइट टू वाइट टच होगा, ये ऐसे ये वाइट टू वाइट लग गया, उसके बाद ऐसे डन, तो ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये किट लेंस इंसर्ट हो गया। जब आप कैमरे के बॉटम पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ये कैमरा माउंट ट्राइपॉड माउंट करने के लिए आपको एक होल मिल जाएगा। ये वही आपके कंसेक्यूटिवली बैटरी और कार्ड कंपार्टमेंट हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारी बैटरी हो गई, वापस डाल देते हैं, और ये हमारी मेमोरी कार्ड हो गई जैसे देख सकते हैं आप, 64 GB की सैंडिस्क की मेमोरी कार्ड है, उसको ही वापस डाल देते हैं। सो जैसे कि आपने देखा कि हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि एक्सटर्नली सारे पॉइंट्स किस किस तरीके से होते हैं, क्या क्या होता है, क्या जो डायल बटन्स होते हैं वो किस किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, शटर बटन क्या होता है, हमारे रिकॉर्डिंग बटन क्या होता है, फ्लैश लाइट मैनुअली ओपन होती है कैनन M50 में, उसके बाद फ्लिप आउट स्क्रीन है, ये अभी हमें दिखाया नहीं, ये आपको अभी आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा जब हम इंटीरियर में जाएंगे, मतलब इंटरनली जब हम सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे तब। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि पार्ट टू पार्ट करके सारी वीडियोज़ आपको दिखती रहेंगी। थैंक यू।